अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद एना। आज मैं आपको बट कढ़ाई मटन की बनाना सिखा रही हूँ, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह है। वो भी झटपट बहुत ही अच्छे से, ये बहुत अच्छा सा टेस्ट हमें बना के देते हैं। तो मैंने सोचा ये आज मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट की बजाय ये चीज़ खुद घर पर क्यों ना बनाएँ बहुत ही आसानी से। यहाँ पर मैंने 1 kg के करीब मटन लिया था अच्छे से वॉश करने के बाद। उसमें बड़े साइज़ का एक प्याज, टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो डायरेक्टली बड़े मैंने साबुत ही ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच साबुत लहसुन और मोटा मोटा कटा हुआ प्याज, नमक और आधा गिलास पानी, ये चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं हमने प्रेशर में, बिकॉज हमें ये बहुत जल्दी बनानी है तो इसलिए हम इसमें प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच के करीब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। तो ओबियसली रेस्टोरेंट्स में भी वो लोग जल्दी सर्व करते हैं तो वो प्रेशर कुकर ही यूज़ करते हैं, तो कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमने यहाँ पर इसको बॉयल करना है अच्छे से। जब गोश्त मीट हमारा अच्छे से गल जाएगा तो हमने इसे कढ़ाई में निकाल लेना है। कढ़ाई में निकालने से हमने क्या करना है कि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश करना है। आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनका जो छिलका है वो इसी तरह से स्पैचुला की मदद से ही बहुत आसानी से साइड पे हो गया है। ये देख सकते हैं, हम इसे निकाल देंगे, इसको हमने इसमें कुक नहीं करना। तो पानी अब हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और इसके टेस्ट का बहुत ही अच्छा राज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, हमने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मक्खन ऐड कर दिया था। और ये इस स्टेज पे आप मक्खन ऐड करेंगे, इसकी खुशबू और इसका टेस्ट यकीन जानिए बहुत ही आला और मज़ेदार हो जाएगा। तो मैंने इसमें वही ऐड किया है मक्खन, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। तो आप मक्खन घर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने वही ऐड किया है। और इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे, चम्मच को हिलाते जाएंगे, लो मीडियम फ्लेम रखेंगे। और हमने बहुत अच्छे से दही को फेंट लिया था, तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब मैं इसमें दही, 4 से 5 चम्मच के करीब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो आपके पास मटन की क्वांटिटी कितनी है, आपने इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना है, उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लेने हैं। रेसिपी को एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, फिर बनाना है। यकीनन आप बहुत परफेक्ट मटन बट कढ़ाई बनाएंगे जो बहुत ही पसंद आएगी आपको। रेसिपी के साथ साथ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बिकॉज हम इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। तो माइनर से इसकी कंसिस्टेंसी जो है, इसकी लाइट सी ग्रेवी हमने रखनी है, तो वो उससे ये है कि इसका बहुत अच्छे से जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। तो हमने हल्का सा पानी इसमें ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्च जो इसको मज़ीद तीखा और स्पाइसी करेगी। ये कढ़ाई में ओबियसली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तो ये स्पाइसी मैं इसलिए ऐड करती हूँ। आप चाहें तो काली मिर्च नहीं है तो मत डालें, बट इससे एक तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत हो जाता है, थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंट और लाइट सा। मैंने तकरीबन 2 पिंच के करीब इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था, साबुत वाला ही। गरम मसाला वगैरह हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि उसके साथ इसका कलर ख़राब हो जाएगा, और दूसरा वो उसकी ज़रूरत नहीं है, इसका एक अपना ही टेस्ट होता है जो हमने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के साथ ख़राब नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी मटन बट कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही आसानी से झटपट हमने बनाई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी ये कढ़ाई रेडी हो गई है। तो आपको अगर जल्दी से कुछ अच्छा बनाना है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बनने वाली चीज़ है, बट बहुत मज़ेदार। थोड़े से मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए वो ऐड कर दिया था इसे बाउल में निकालने के बाद, और ये स्लाइसेस लेमन के। तो ये आप बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, सर्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, लोग पसंद भी करेंगे, आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।